नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान की जानकारियों को लेकर आए हैं। अगर आपको इस तरह की जानकारियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर एक में दिया है, कौन सा जानवर भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है? ऑप्शन ए सांप, बी चूहा, सी शेर और डी में दिया है हाथी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी चूहा। जी हाँ दोस्तों, चूहा भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है। सवाल नंबर दो, ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? ऑप्शन ए 2 महीना, बी 5 महीना, सी 3 महीना और डी में दिया है 6 महीना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6 महीना। जी हाँ दोस्तों, ऊंट बिना पानी पिए 6 महीनों तक रह सकता है। सवाल नंबर 3, सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मिर्च को, बी करेला को, सी टमाटर को और डी में दिया है आलू को। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिर्च को। सब्जियों की रानी मिर्च कही जाती है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए पृथ्वी ग्रह, बी शनि ग्रह, सी मंगल ग्रह और डी में दिया शुक्र ग्रह। सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह रात को लाल दिखाई देता है। सवाल नंबर 5 में दिया है, मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 2016, बी 2014, सी 2012 और डी में दिया 2018। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2016। सन 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। सवाल नंबर 6, भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी ठाणे, सी कानपुर और डी में दिया है राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ठाणे। जी हाँ दोस्तों, ठाणे में भारत का पहली बार ट्रेन ठाणे में चलाई गई थी। सवाल नंबर 7 में दिया है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी में दिया है हुमायूं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। सवाल नंबर 8, किस जानवर को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? जी हाँ दोस्तों, किस जानवर को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? ऑप्शन ए हाथी, बी बकरी, सी शेर और डी में दिया है जंगली भेड़िया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जंगली भेड़िया। जंगली भेड़िया को सबसे अधिक गुस्सा आता है। सवाल नंबर 9, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी में दिया है शिमला। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सवाल नंबर 10, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? ऑप्शन ए दाल, बी चावल, सी खिचड़ी और डी में दिया है रोटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चावल। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। सवाल नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी कबड्डी और डी में दिया है हॉकी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हॉकी। जी हाँ दोस्तों, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। सवाल नंबर 12, कौन सा फल एक दिन में पक जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा फल एक दिन में पक जाता है। ऑप्शन ए नींबू, बी सेब, सी आम और डी में दिया है कटहल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू एक दिन में पक जाता है। सवाल नंबर 13, किस देश में चिंगम खाने पर बैन है। जी हाँ दोस्तों, किस देश में चिंगम खाने पर बैन है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर और डी में दिया है अमेरिका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में चिंगम खाने पर बैन लगा है। सवाल नंबर 14, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है। ऑप्शन ए कछुआ, बी मच्छर, सी डॉल्फिन और डी में दिया है मधुमक्खी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी की 5 आँखें होती हैं। सवाल नंबर 15, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। जी हाँ दोस्तों, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए शुगर, बी पायरिया, सी कैंसर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पायरिया। जी हाँ दोस्तों, चाय पीने से पायरिया की बीमारी होती है। सवाल नंबर 16 में दिया है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए 2 रंग, बी 3 रंग, सी 5 रंग और डी में दिया है 7 रंग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7 रंग। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। सवाल नंबर 17, रेबीज बीमारी किस जानवर के काटने पर फैलता है। जी हाँ दोस्तों, रेबीज बीमारी किस जानवर के काटने पर फैलता है। ऑप्शन ए कुत्ता, बी बंदर, सी सांप और डी में दिया है बिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी फैलता है। सवाल नंबर 18, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ताजमहल किस नदी के किनारे बना है। ऑप्शन ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी ताप्ती नदी और डी में दिया है नील नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। सवाल नंबर 19, किस देश में नीले रंग का जींस पहनना मना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जहां पर नीले रंग का जींस पहनना मना है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भारत और डी में दिया है नॉर्थ कोरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जींस पहनने पर मना है और वो भी नीले रंग का। सवाल नंबर 20, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात और डी में दिया है राजस्थान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब। जी हाँ दोस्तों, भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। सवाल नंबर 21, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, बी हिंदी, सी तमिल और डी में दिया है उर्दू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी।